एसपी पास, कंस्ट्रक्शन परमिशन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं को फुल्ली ऑटोमेट करता है और ये एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर पे रिलायंस ये सिस्टम पूरे तरीके से खत्म कर रहा है और इंडिया में बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा एडवांस और ऑटोमेटेड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तमाम शाखाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो न सिर्फ आम जनमानस बल्कि व्यापारियों, नागरिकों और उद्योग सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। एसपी पास सिर्फ एक ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम नहीं है, ये कई मामलों में अत्यंत इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी है। ये एंड टू एंड डिजिटल है, इसका मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन परमिशन से लेकर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक और उसके फॉर्म पे, मैप पे सिग्नेचर तक, मैप की रिप्रोडक्शन तक किसी भी परिस्थिति में एक सिंगल कागज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अंदर प्री स्क्रूटनी ऑनलाइन अवेलेबल है। एक बार जब फॉर्म आपका या जब आपकी परमिशन प्री स्क्रूटनाइज हो जाती है तो उसके बाद दोबारा उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। प्री स्क्रूटनी और मेन स्क्रूटनी एक कर हमने ये सुनिश्चित किया है कि आर्किटेक्ट जो कंस्ट्रक्शन परमिशन अपलोड करेगा उसको यूजुअली 99% केसेस में अप्रूवल उसके ऊपर मिली जाएगा। भारत सरकार के द्वारा काफी समय से इस बात पर जोर दिया जा रहा है इन सभी नगर पालिकाओं में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम स्थापित किया जाए। पुनिया दुर्भाग्यवश इस सिस्टम से संबंधित कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन मिलना सरल की जगह और दुर्भर बना लेते हैं, जिसके कारण इस सिस्टम का कार्य उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर इसकी आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दादरा नगर हवेली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डिजाइन पॉइंट के सहयोग से लाया गया है एक अनूठा, अत्यंत प्रभावी पर उतना ही सरल एवं सहज एसवी पास सिस्टम, ऑटो कैड सिस्टम से मुक्ति। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था जो किसी भी कैड सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट ना हो और इजीली उसमें ड्राइंग कर सके। हमें ऐसा भी सॉफ्टवेयर बनाना था जो जिसको क्लाइंट साइट पे यानी कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के मशीन पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करना पड़े और सिर्फ ब्राउजर से चले। ड्राइंग को रीड करना, इंटरप्रिट करना और उसमें सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, उसके लिए मैथमेटिकल एल्गोरिथम डेवलप किए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए जानते हैं इस अद्भुत पहल के बारे में उन्हीं से जो इसका प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये दूसरे रीजन में भी मैंने प्रैक्टिस किया है, लेकिन वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो बहुत टीडियस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये सॉफ्टवेयर जो यूटी प्रशासन ने डेवलप किया है फॉर बिल्डिंग परमिशन, ये इतना फास्ट है कि जिस फाइल में हमको दो दो तीन तीन घंटा लगता था प्रोसेस करने में, वो 10-15 मिनट में फाइल प्रोसेस हो जाती है। हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है, कुछ प्लस माइनस करना है तो तुरंत हो जाता है। इसकी वजह से काम की रफ्तार बढ़ी है प्रदेश में। तो ये सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छी बात है कि उसका इंटरफेस इतना सिंपल है एंड वेब बेस्ड है, तो मैं कहीं पे भी बैठूं मैं ये सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे जो इसका पोर्टेबिलिटी है वो सबसे अच्छी ये सॉफ्टवेयर की खूबी है, जिसको मैं डिपार्टमेंट को मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने छोटे से टेरिटरी में इतने इनोवेटिव आइडियाज़ और इतने सरल बनाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है कि कोई भी काम को जल्द से जल्द करें और सरल करें, ये एक बहुत अपने आप में सराहनीय कदम है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट्स द टीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच अ गुड प्रोडक्ट। इस नए सॉफ्टवेयर की वजह से ये हुआ है कि आपको कैड पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपके पास चाहे फाइल जो भी फॉर्मेट में हो आप इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी कर दिया है सॉफ्टवेयर ने काम। कि पहले पेमेंट के लिए पहले हमें चालान लेना पड़ता था, उसके लिए डीडी बना के स्क्रूटनी फीस जमा करनी पड़ती थी, मगर अब वैसा नहीं है। इसमें जैसे ही हम फाइल अपलोड करते हैं हमें एक चालान जनरेट होता है जिसे हम डिजिटली हम पेमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बहुत बचता है। अभी जो नया सॉफ्टवेयर है वो हमारे एंड से ही स्क्रूटनी भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी हमारे एंड से ही चेक कर रहा है, और अभी हमारे एंड से जो स्क्रूटनी हो रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत बच गया। जो हमारे पहले 2 महीने लगते थे वो अभी सिर्फ 15 दिन में ही हमारा कंप्लीट हो रहा है प्रोसीजर। पिछले 6 महीने से सिस्टम पे लगातार ट्रायल की जा रही है और अब फाइनली इसको रोल आउट किया गया है, और हमें सारे स्टेक होल्डर्स से जैसे कि आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, जो आम सिटीजन्स भी हैं जो कि इस सेवा का मदद ले रहे हैं, सबसे बहुत ही अच्छी फीडबैक मिल रही है। और आने वाले टाइम पे ये सिस्टम ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस प्रमोट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।